अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 टाइप ऑफ नींबू पानी की रेसिपी। तो बहुत इजी है ये नींबू पानी बनाना, और क्योंकि समर सीज़न है तो उसमें आप बहुत इजीली बना सकते हो ये ड्रिंक। तो ये मैंने सब्ज़ा लिया है, इसको पानी में भिगो के रखना पड़ता है। 5 मिनट के लिए भिगो देंगे तो ये फूल जाएगा। तो नॉर्मल पानी में ही, ठंडा या गर्म पानी ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल पानी में भिगोना है। तो मैंने 1 चम्मच के करीब लिया था। और ये डाल के पीने से क्या होगा, पेट में थोड़ी ठंडक रहेगी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए कुछ देर में ही ये फूल जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, यानी कि अब रेडी है यूज़ करने के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो मैंने नींबू का जूस निकाल के ले लिया था, मैंने 4 से 5 नींबू के जूस लिए थे निकाल के। 2 टाइप के जूस बनाए थे मैंने, इसलिए मैंने नींबू का रस ज़्यादा लिया था। अगर आपको कम या ज़्यादा बनाना है तो आप नींबू का रस कम लीजिएगा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पुदीना भी ले लिया था। पुदीना पुदीने से भी अच्छा टेस्ट आता है और हाजमे के लिए भी अच्छा रहता है पुदीना। तो दोनों अलग अलग टाइप के मैंने बताए हैं शरबत आपको बनाने के लिए, तो आप दोनों में से कोई भी ट्राई कीजिए, दोनों ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छे बनते हैं और समर सीज़न के लिए बेस्ट है ये ड्रिंक। और ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1 चम्मच के करीब, ये देखिए। तो सबसे पहले सब्जा जो हमने भिगो दिया था उसको पानी में डाल देंगे, उसके बाद पुदीना डालेंगे। और ये मैंने शक्कर को मिक्सी में पीस लिया था वो डाला है, क्योंकि अभी डायरेक्ट मैं ऐसे डाल रही हूँ तो शक्कर अगर आप ऐसे ही डाल दोगे तो वो पिघलेगी नहीं, इसीलिए मैंने पीस लिया था मिक्सी में और उसके बाद डाला है। तो अपने मिठास के हिसाब से कम या ज़्यादा शक्कर डाल देना और ऐसे सब मिक्स कर लेना है। बस हमारा फर्स्ट ड्रिंक रेडी है। और दूसरी ड्रिंक तो बहुत इजी है, इसमें थोड़े कुछ मसाले डाले थे, दूसरी ड्रिंक में तो मैंने कुछ डाला ही नहीं था। तो ये देखिए पानी मिला लेना है और उसके बाद मैंने बर्फ़ भी डाला था इसमें। एकदम ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा। और थोड़ा सा चाट मसाला डाला था, सॉरी। तो इससे भी चटपटा सा ड्रिंक बनेगा हमारा, ये मसाले वाला नींबू पानी। तो ये देखिए कलर भी कितना अच्छा आया इसका और पीने में भी उतना ही अच्छा था, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये एक रेडी हो गई, उसके बाद हम दूसरी ड्रिंक रेडी करते हैं। तो ये नींबू पानी मैंने आधा रख लिया था और आधा उसमें डाला है। उसके बाद मैं इसमें शक्कर डालूँगी, तो मिठास के हिसाब से शक्कर डालना है। 1 से 2 चम्मच डाली थी मैंने, तो नींबू थोड़े खट्टे रहते हैं इसलिए शक्कर का थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है नींबू पानी में। और उसके बाद ठंडा ठंडा पानी डालना है इसमें, और थोड़ा सा हल्का सा नमक डाला था मैंने। बस दूसरी भी ड्रिंक हमारी रेडी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोनों भी ड्रिंक। अगर ड्रिंक अच्छी लगती है, मेरी कोई और रेसिपी भी अच्छी लगती है आपको, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी रेसिपी को, और नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर मैंने न्यू वीडियो डाली है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी, तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना। थोड़ा सा नमक मैंने अभी डाला है और इसको भी ग्लास में डाल देती हूँ। और डेकोरेट करने के लिए मैंने नींबू को कट करके लगाया था ऊपर से, तो दिखने में भी अच्छा दिखेगा। ये डेकोरेट जितना करोगे ना उतना अच्छा दिखेगा। तो देखिए दोनों भी ड्रिंक हमारी रेडी है, एक नॉर्मल नींबू पानी है और एक मसाला नींबू पानी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सोडे में भी डाल के यूज़ कर सकते हो, लेकिन पानी में भी अच्छा लगता है वैसे। तो मैंने पानी में ही बनाया था। और भी बहुत सारी ड्रिंक की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दूँगी, तो आप ज़रूर देख लेना। तो ये देखिए नींबू का पीस मैंने ऊपर से लगा दिया है और इसका लुक कितना अच्छा आया। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसे लगी रेसिपी आपको ये ड्रिंक की। और बहुत इजी है, समर सीज़न है तो नींबू पानी बनाना बनता ही है, ज़रूर ट्राई करना। तो मैं आपसे मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।